श्री अरुण जेटली जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं, और सही यही है कि इस किस्म के नेता आज बिरले ही पैदा होते हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान ही अलग किस्म की थी। एक सफल वकील के रूप में भी, एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में भी, और सबसे बड़ी बात थी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह बहुत ही सकारात्मक सोच रखते थे। और हम दुखी ज़्यादा इसलिए भी हैं कि बिहार के लोगों से और बिहार से उनका खासा और गहरा लगाव था। यहाँ के अनेक राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध थे, और हम भी इस मामले में सौभाग्यशाली थे कि मेरा भी उनसे परिचय और मुलाकात कई बार हुई थी। और चूंकि हम लोग गठबंधन में एक साथ ही थे, वो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक थे, और बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक वो बिहार के प्रभारी भी रहे थे, गठबंधन के भी प्रभारी थे। उस हैसियत से अनेक अवसरों पर जब मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष था, उस समय वही यहाँ के एनडीए के प्रभारी भी थे, तो उस हैसियत से भी अनेक अवसरों पर उनसे मिलने का अवसर मिला था, कई मुद्दों पर बातचीत का अवसर मिला था। और मैं यही कह सकता हूँ कि उस तरीके के स्पष्ट सोच रखने वाले, चाहे कितना ही गंभीर मुद्दा क्यों न हो, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, वो बड़े ही सकारात्मक और स्पष्ट सोच रखने वाले राजनेता थे। और मुझे शक है कि इस तरह की सोच वाले नेता शायद फिर कभी आएंगे, या उनके जाने से जो रिक्ति हुई है वह आने वाले दशकों तक हमें सालती रहेगी, यही मुझे आभास हो रहा है।